संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत भारी विवाद के बाद आखिरकार 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पद्मावत में 5 बदलाव के सुझाव देकर इसे हरी झंडी दे दी थी। इन खबरों के बीच निर्माता ने विवादित फिल्म पद्मावत में 300 कट लगाए हैं। यही नहीं, फिल्म में आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि पद्मावती कहाँ की रानी थी और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के बादशाह थे, यानी किरदारों को समझना मुश्किल होगा। खबर है कि फिल्म से दिल्ली, मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ से जुड़े तथ्यों को काट दिया गया है। रिव्यू कमेटी के सहयोग से सेंसर बोर्ड की ओर से 5 संशोधनों के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट तो मिला है, लेकिन फिल्म का टाइटल पद्मावत किए जाने के अलावा इसे काल्पनिक दिखाने के लिए खबर है कि 300 कट्स लगाए गए हैं। हालांकि निर्माता की ओर से इस पर औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन निर्माता कंपनी से जुड़े सूत्र इस खबर को सही बता रहे हैं। बता दें कि CBFC ने दावा किया था कि फिल्म में किसी भी कट की सिफारिश नहीं की गई थी, केवल 5 संशोधन करने को कहा गया था, पर इन संशोधनों को कई कट से गुजरना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।